इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर एफआईआर ब्रोकन फैमिलीज नाम के सेमिनार में लगे कश्मीर की आज़ादी के नारे और देश विरोधी नारे की वजह से दर्ज की गई है। इस मामले में एबीवीपी ने पुलिस में शिकायत की थी। कश्मीर मुद्दे पर इस सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु के यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में किया गया था। इस मामले में एबीवीपी ने कर्नाटक सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने एक संस्था के खिलाफ देशद्रोह का केस पर हैरानी जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनके जैसी और एनजीओज, ये लोग लगातार यही बोलते रहे कि आर्मी की वजह से कश्मीर में ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और वो लोग ये एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स वो पीड़ित हैं आर्मी की वजह से, जबकि ये रियलिटी नहीं है। और साथ ही साथ वो लोग कश्मीर उस इवेंट में भी कश्मीर की आजादी के खुलेआम नारे लगाए जाते हैं। किस देश में ये सहन किया जाएगा कि उस देश के ही किसी भाग की आजादी के नारे खुलेआम वहां पर लगाए जाएं और उसके लिए एक साजिश की जाए? पूरी संस्था के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना मुझे जरा अजीबोगरीब लगता है। हो सकता है कि किसी मीटिंग में एक व्यक्ति विशेष ने सीमाओं का पार किया, जो कि मैंने देखा नहीं, जो मैं मान भी नहीं रहा हूं, नहीं भी नहीं, असहमति प्रकट नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्था के विरुद्ध ऐसा एक आरोप लगा देना और केस दर्ज कर देना जरा अजीब सा लगता है, और मैं समझता हूं इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। शनिवार को बेंगलुरु में ब्रोकन फैमिलीज के नाम से एक सेमिनार आयोजित किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस सेमिनार का आयोजन किया था और सेमिनार में कई कश्मीरी परिवार को बुलाया गया था। सेमिनार में सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि कश्मीर में सेना लोगों को तंग करती है। सेमिनार में मौजूद कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया और सेमिनार में भारत विरोधी और कश्मीर की आज़ादी के नारे भी लगे, जिनका भी विरोध हुआ।